नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये तो हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम तीन अक्षर वाले शब्दों को लर्न करेंगे। तो ये देखो, ये कौन है? ये तो व्यंजन है ना, न या फिर से न। तो पता है इन अलग अलग व्यंजन को जोड़ के एक नया शब्द बन जाएगा। ये देखो तीन अक्षर है ना, तो इन तीन अक्षर से एक नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है ना से नल, ना से नैना, ना से नाक। तो ये है न, फिर या से यज्ञ, या से यात्री, और ये तो फिर से ना है। तो ये देखो, इनको जोड़ने से कौन बन जाएगा? न यान। बोलो मेरे साथ में, न यान। तो ये बन गया नयन, न या न। आपको पता है, आपको बस इनको पढ़ना है और न्यू शब्द अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, न यान, न यान, नयन, ठीक है। फिर ये देखो, ये क्या है? ये तो है ध से धनुष, ध से धन, ध। फिर ये है माँ से मछली, माँ से मामा। ये है का से कबूतर, का से कमल। तो ये है ध मक, ध मक, धमक, ध म क, धमक, ध म क, धमक, ध म क, धमक, ओके। फिर ये देखो, ये है भ से भालू, भा से भगोना। तो ये है भ, ये तो है टा से टमाटर, टा से टोपी, और ये तो है का से कबूतर, का से कमल। अब इनको एक साथ में पढ़ो, भटक, भटक, भ ट क, भटक, 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 ओके। फिर ये देखो, ये कौन है? ये तो है झ से झरना, झ से झाड़ू, झ से झोपड़ी। फिर ये है पा से पतंग, पा से पापा, और ये तो है टा से टमाटर। तो अभी इनको एक साथ में जोड़ो, तो ये हो जाएगा झपट, झपट, झ पट, झपट, ठीक है। तो ये न यान, नयन, धमक, धमक, भटक, भटक, फिर झपट, झपट। वाओ, तो ये कौन से वाले शब्द हैं? ये तो तीन अक्षर वाले शब्द हैं। तो देखा आपने हम लोग कैसे तीन अक्षरों को जोड़ के एक शब्द बना सकते हैं? तो इसी तरह से आपको भी अपना वर्क कंप्लीट करना है, ओके, और इसी तरह से इनको मिला के पढ़ना भी है, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।